दोस्तों नमस्कार। हम सब दिन भर एक्टिव रहना चाहते हैं, हम ऊर्जा से भरपूर होना चाहते हैं। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि उसके भीतर खूब ऊर्जा हो, दिन भर वह अपने सपनों को पूरा करने में अपनी उस ऊर्जा को लगा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, अज्ञानतावश कुछ ज्ञान नहीं होता, कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से यह जो ऊर्जा है जो हमारे भीतर संरक्षित होनी चाहिए यह नहीं हो पाती है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि दिन भर हम अपने आप को एक्टिव कैसे रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पागलों की तरह काम करते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा करने में पागलों की तरह भिड़े रहते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। कहां से आती है उनके भीतर वह ऊर्जा, आइए हम उन सभी तथ्यों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो शारीरिक ऊर्जा मिलती है, अब यह ऊर्जा दो प्रकार तीन प्रकार की होती है। पहला शारीरिक ऊर्जा, दूसरा मानसिक ऊर्जा और तीसरा आत्मिक ऊर्जा या कॉस्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा की जहां तक बात है वह आपको मिलती है अच्छा पोषण युक्त भोजन लेने से। भोजन के नाम पर कचड़ा मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, डब्बा बंद खाने मत खाइए। ऐसा खाना खाइए जिसमें पौष्टिकता हो। एक संतुलित आहार लीजिए, उसमें सभी प्रकार के जो घटक होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एमिनो एसिड, वह सब कुछ होना चाहिए। तो जब आप ऐसा भोजन लेंगे, शरीर की जो पोषक तत्व, जो पोषकता चाहिए उसके सभी कार्यों के लिए, जब वह सब कुछ मिलेगा तब आपके भीतर ऊर्जा का निर्माण सही ढंग से होगा। फिर दूसरी जो चीज़ आती है वह है पानी। पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना है, ना तो बहुत ज़्यादा पीना है ना तो बहुत कम पीना है। अब यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी ज़रूरत कितनी है। औसतन 10 से 12 गिलास पानी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यह व्यक्ति टू व्यक्ति, किसका कितना पसीना बहता है, कौन पसीना ज़्यादा निकालता है, इसके आधार पर वह निर्भर होता है। तो यह शरीर ही आपको इंडिकेट करता है कि कब आपको पानी पीना है। अगर प्यास लगी है तुरंत पानी पीजिए। तो पहला आपने देखा भोजन, दूसरा पानी, अब जो तीसरी चीज़ है वह है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़। अब इस फिजिकल एक्टिविटीज़ में योग आ जाता है, प्राणायाम आ जाता है, आपको कई प्रकार के खेल आ जाते हैं, जिम आ जाते हैं, स्विमिंग आ जाती है, जिससे आपका शरीर ये चलायमान हो। जब आप अपने शरीर को चलाते हैं तो रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में बेहतर ढंग से जाता है, जिसके कारण वह जो ऊर्जा है, एक तो ऊर्जा का निर्माण भी होता है, फिर उस ऊर्जा को बनाने में शरीर जो प्रयास करता है उससे नए मसल्स डेवलप होते हैं, नई चीज़ें डेवलप होती हैं और उस नई ऊर्जा को प्राप्त करने योग्य उस शरीर बनता है। तब जब आप इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तब यह इससे नई ऊर्जा का भी निर्माण होता है, जो आपको और प्रेरित करता है कि आप इस तरह के काम कर सकें। फिर जब आप इस तरह की एक्टिविटी रहते हैं, बहुत देर बैठे नहीं रहते हैं, तब आप लेथार्जिक मोड में जाने से बचते हैं। जब आप आधे घंटे से ज़्यादा किसी एक जगह पर बैठते हैं, 40 मिनट से ज़्यादा, तब आपकी जो बॉडी है वह लेथार्जिक मोड में जाने लगती है। तब यह इस तरह की गतिविधि, वह योग हो, वह कोई खेल हो, जिम हो, कुछ भी हो, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। अब आपने ये जाना कि भोजन, पानी, फिर खेल गतिविधियां या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़। अब जो अगली चीज़ है और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है। जब आप नशा करते हैं, नशे में जब होते हैं तब आपको हो सकता है अच्छा लगे, इस बात को नहीं काटा जा रहा है, लेकिन एक तो जब वह नशा हटता है तब मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आप बहुत नीचे चले जाते हैं। और इस तरह की जब लत हो जाती है तो फिर उस लत से छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। फिर वह कोई भी नशा हो, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना ही है, तभी आपकी ऊर्जा सही ढंग से बन पाएगी। एक्टिव रहने के लिए वह बहुत जरूरी चीज है और वह है आप तनाव मुक्त रहें। पहला तो आपने जाना शारीरिक ऊर्जा, दूसरी जो आती है वह होती है मानसिक ऊर्जा, यानी आपके मन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा अच्छी तब उत्पन्न होती है जब आप अच्छे मन में रहते हैं, तब आपको तनाव मुक्त रहना है। जिंदगी जिस रूप में भी आए उसे तहे दिल से कबूल करिए। आगे क्या करना है, गलतियों को कैसे सुधारना है, उस पर ध्यान दीजिए। तनाव मुक्त रहिए। तनाव मुक्त रहने में आपको कई ऐसी टूल हैं, म्यूजिक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, आप जिस चीज़ में थोड़ी देर डूब सकें
अपने लिए कुछ समय निकालिए ताकि आप तनाव मुक्त रह सकें। और फिजिकल जो एनर्जी होती है, जो शरीर के माध्यम से आती है, वो बहुत नगण्य है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती मानसिक ऊर्जा से। जो मानसिक ऊर्जा को बनाना जानते हैं वे ऊर्जावान होते हैं। वे भले दिन रात काम करते हैं लेकिन आपको लगेगा इसके भीतर इतनी ऊर्जा कैसे है, और इसका कारण है यही मानसिक ऊर्जा। तो यह मानसिक ऊर्जा आपको, जो आप सही सोच विचार रखेंगे, अपने आप को तनाव मुक्त रखेंगे, चिंता क्रोध इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, तो यह मानसिक ऊर्जा भरपूर बनेगी। अब अगली जो चीज़ है और वह है आत्मिक ऊर्जा। आपने खूब अच्छा खाया, खूब पानी पिया, सब कुछ किया, योग किया, सारा चीज़ किया, लेकिन मानसिक ऊर्जा बनी, शारीरिक ऊर्जा बनी, लेकिन अगर आत्मिक ऊर्जा नहीं बन पाई है तब आप उस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते, आप उस तरह ऊर्जावान नहीं बने रह सकते। तो विश्व के सभी धर्मों में इस आत्मिक ऊर्जा का बहुत वर्णन किया गया है, और जितने सफल लोग हैं, किसी भी एक नाम को उठाकर देख लीजिए, वह तभी सफल हो पाया जब उसके भीतर आत्मिक ऊर्जा आई है। और इस आत्मिक ऊर्जा को पाने का सबसे पहला साधन है, वह है ध्यान। आपको दिन में कोई भी समय हो, सुबह दोपहर शाम, आपको 30 से 40 मिनट ध्यान के लिए निकालने हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर के सभी चक्र, सभी नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं, उनके भीतर ऊर्जा आती है, और यह ध्यान आपको भरपूर ऊर्जा, ऊर्जा के समुन्दर में आपको ले जा सकता है। तब कितना हो व्यस्त आपका शेड्यूल हो, आप यह नियम बना लें और इसे एक धार्मिक नियम की तरह बनाएं। इस तरह नहीं कि हाँ ध्यान करना है। जब तक आप किसी चीज़ में धार्मिकता नहीं लाएंगे, उसके लिए कट्टर नहीं होंगे, जिस प्रकार लोग पूजा पाठ, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए इतने कट्टर हो जाते हैं कि मारने पर अतारू हो जाते हैं, जब तक आपके भीतर वह उतनी कट्टरता नहीं आएगी तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। तो इस ध्यान को एक धार्मिक रिचुअल, एक संस्कार बना लीजिए कि मुझे रोज करना है, मतलब करना है। आपको ध्यान के बराबर लाभ भी संगीत से मिलता है। अच्छा संगीत, कर्णप्रिय संगीत, आजकल कई ऐसे संगीत उपलब्ध हैं, बाइनॉरल बीट्स हो गए और इस तरह के क्लासिकल जो संगीत होते हैं वह सुनिए, जिसके प्रभाव से, संगीत का प्रभाव, नाद का प्रभाव आप जानते ही हैं कि एक एक शरीर के नस नाड़ियों चक्रों को वह स्पंदित करता है। तो यह संगीत भी ध्यान के बराबर आपको लाभ देता है। और जिन्हें ध्यान लगाने में मुश्किल आती है, वे शुरुआत संगीत के द्वारा ही कर सकते हैं। जिस प्रकार 30 से 40 मिनट आपको ध्यान के लिए मैंने कहा, उसी प्रकार 30 से 40 मिनट दिन का संगीत के लिए भी दे दीजिए। अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं और अगर ध्यान के साथ संगीत भी हो जाए तो और भी अच्छा। तो जब आप ध्यान करेंगे, संगीत करेंगे, तो जो आत्मिक ऊर्जा है, जो आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगी, वह आपको भरपूर मिलेगी। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं, दिन भर एक्टिव रहना चाहते हैं, तो इस बात को मैं वीडियो के अंत में बता रहा हूं, और वह है आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, और सही नींद लेनी है। नींद लेने का मतलब यह नहीं कि आप रात को 11, 12, 10 बजे सो रहे हैं और 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, तो 8 घंटे 12 से 8 बजे तक सो रहे हैं, यह नहीं। इससे आप ऊर्जावान नहीं बनने वाले हैं। सही नींद का मतलब है हमारे बायो क्लॉक के अनुसार, जो हमारे सोने का समय है, वह सूर्यास्त के बाद, मतलब रात्रि के प्रथम प्रहर में है। रात्रि का प्रथम प्रहर 6 से 9 होता है, मतलब आपको 9-9:30 बजे सोने की तैयारी करनी है और सोने के लिए बिस्तर पर चले ही जाना है, भले नींद ना आए, आप लेटे रहिए। तो जब आप इस तरह की आप नींद लेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो नींद की गुणवत्ता ही कुछ और होगी। और नींद अगर अच्छी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा फिट रहता है, उसके भीतर ऊर्जा ही ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वह विश्व का कोई भी काम कर सकता है। आपने सब कुछ किया, पोषण युक्त भोजन लिया, पानी खूब पिया, योग किया, ध्यान किया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर नींद सही ढंग से नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जब आप सही समय पर नहीं सोते हैं, देर रात तक जगते हैं, देर रात तक सोते रहते हैं, तब ऐसा नींद आपके भीतर कोई ऊर्जा नहीं देता, बल्कि आप और आलसी होते चले जाते हैं, शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, सही रूप से नींद लीजिए। अब आपने ऊर्जा बना तो ली, ध्यान कर लिया, जल्दी से सोने भी लग गए, पोषण युक्त भोजन भी ले लिया, योग ध्यान सब कुछ हो गया, संगीत भी सुन रहे हैं, मादक पदार्थों से भी दूर हैं, लेकिन
बहुत सारे लोग एक बात नहीं जानते हैं कि इस ऊर्जा की क्षति कहाँ कहाँ होती है। आपने गौर किया है, जब आप कोई हॉस्पिटल वाली जगह पर, भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है क्या कि मेरी ऊर्जा कहीं सूखती चली जा रही है, कोई मेरी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा है? तो यह ऊर्जा ड्रेन भी होती है। आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं? जी हाँ, बातचीत करने से भी आपकी ऊर्जा सूखी जाती है, चुराई जाती है। तब आपने इस ऊर्जा को बना तो लिया, आपने रक्त तो अच्छा बना लिया, लेकिन नस कहीं कटी हुई है जिससे यह रक्त रिस रहा है, तो फिर कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये मेरी ऊर्जा क्षति कहाँ कहाँ हो रही है। इसके लिए हमने वीडियो बहुत सारे पहले भी बना कर रखे हैं। संक्षेप में कहूँ तो आप जब गलत संगत में रहते हैं, गलत संगत में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप टीवी और मोबाइल को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, देखने से हमारी 80% एनर्जी का लॉस होता है। तो जब आप मोबाइल पर, जब टेलीविज़न पर, किसी सिनेमा हॉल के पर्दे पर कोई चीज़ 2-3-4 घंटे देख रहे हैं, उतनी देर आप अपनी शक्ति को लुटा रहे हैं। सफल लोग इस चीज़ से बचते हैं, वे मोबाइल, टेलीविज़न और मूवीज़ को ज़्यादा समय नहीं देते, इसलिए वे उतने ऊर्जावान होते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है कि मैं देख क्या रहा हूँ, किन चीज़ों पर मैं अपने रस को ले जा रहा हूँ। दूसरा, आप किस संगत में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ में रहे हैं, उनके साथ किस तरह का वार्तालाप कर रहे हैं, वहाँ से भी आपकी ऊर्जा चुराई जा सकती है। तीसरा, लोगों का स्पर्श। जापान में, दक्षिण भारत में ऐसे कई धर्म वाले हैं जो किससे हमको संपर्क होना है, किसके साथ स्पर्श होना है, इसके लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। तो आपको यह सावधानी बरतनी है। जब आप गलत व्यक्ति के साथ संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, तब वो गलत व्यक्ति, जैसे जिसके पास कम एनर्जी और आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वह आपकी एनर्जी को सोखने का काम करता है। फिर उसको वह लत लग जाती है और वह उसी कारण आपके पास आना चाहता है। तो आपको अपनी ऊर्जा आपके काम के लिए है, आप जो जीवन में सफलता चाहते हैं उसके लिए है। और अगर इस तरह से आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस ऊर्जा से उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है उसकी उसका चरित्र बदल जाएगा। आप अगर यह सोचें कि मेरी ऊर्जा किसी के काम आ रही है, नहीं, वह उस ऊर्जा को प्राप्त करेगा, फिर और गलत काम करेगा, उसे दंड पाने दे दीजिए। प्रकृति उसे दंड देगी, फिर उसे बुद्धि आएगी। तब आपको यहां भी ध्यान देना है, गलत लोगों के साथ संपर्क से तो बच गए, लेकिन कई बार लोग जब ऊर्जावान हो जाते हैं तो खुद ही गलत काम करने लग जाते हैं। यहां भी आपको ध्यान देना होगा। जब आप अपने चरित्र का पतन करते हैं, गलत काम करते हैं, वासना में जाते हैं, हिंसा में जाते हैं, तब आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रकृति ने आपको बहुमूल्य ऊर्जा दी थी किसी संरचनात्मक कार्य के लिए, किसी क्रियात्मक कार्य के लिए, और आप उस ऊर्जा को अगर इस तरह से लुटाएंगे, प्रकृति के नज़र में वह पाप होगा। अब वह पाप का दंड प्रकृति अपने ढंग से देगा, या तो आपको किसी बीमारी के रूप में, या परिवारजन को किसी अशुभ घटना के रूप में। तब आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने यह सब चीज़ समझा कि किस तरह एक्टिव रहें। आपको इंटरनेट पर, कई आर्टिकल्स पर बहुत सारे ऐसे तथ्य मिल जाएंगे, खूब भोजन, ये सारी चीज़ें, लेकिन वीडियो के अंत में जो आपको तथ्य बताए गए, आप उसको ध्यान दीजिए। आपकी ऊर्जा कहीं क्षति तो नहीं हो रही है? फिर आप शारीरिक ऊर्जा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने मानसिक ऊर्जा प्राप्त कर ली? कई लोग शारीरिक ऊर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं, मानसिक ऊर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उस आत्मिक ऊर्जा से चूक जाते हैं। कहीं आप तो नहीं चूक रहे हैं? तो इस तथ्य को ध्यान दीजिए और इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए कि उस आत्मिक ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करें। प्रेम एक बहुत अच्छा साधन है आपको ध्यान के करीब, प्रभु के करीब, इस ऊर्जा के करीब ले जाने के, क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं तब आपको कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। कबीर जी ने अपने दोहे के माध्यम से कहा है कि जब किसी को प्रेम का रंग चढ़ता है तो उस पर कोई और रंग चढ़ाया ही नहीं जा सकता। जब व्यक्ति वास्तविक प्रेम में, सच्चे प्रेम में होता है, तो उससे चरित्र हनन वाला कार्य हो ही नहीं सकता। जब व्यक्ति असल प्रेम में होता है, तो उससे गलत कार्य हो ही नहीं सकता। जब व्यक्ति असल प्रेम में होता है, तो वह ऐसे कार्य कर ही नहीं सकता, वह ऐसे लोगों के संपर्क में जा ही नहीं सकता। तो उस असल प्रेम को समझिए, कौन आपके जीवन में ऐसा है, वह कोई मित्र हो, वह घर के कोई सदस्य हो, वह प्रेमी हो, प्रेमिका हो, वह गुरु हो, आप उसके प्रेम की कद्र करिए। जब आप उस प्रेम की कद्र करेंगे, तब आपको और कोई रंग नहीं चढ़ाया जा सकता, वह रंग काले रंग की तरह होगा,
काला रंग जिसे ज्ञान का संपूर्णता का रंग कहते हैं, जिसमें हर रंग समाहित है, वह काला रंग आपके भीतर होगा और उस काले रंग के कारण अन्य रंग आप पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। इन बातों का ध्यान रखिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए।